शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। किसी कारणी से मुख को मोड़ा, बीच भंवर में किस विधि छोड़ा। मैं तो सुहागन रही कुंवारी, पहने दुल्हन पे केसरिया बालम, आओ हमारे देश केसरिया बालम, आओ हमारे देश। कारण हो रहा है तुम दोनों की करतूतें छुपाते छुपाते ये नौबत आ गई है कि वो कमरे में बंद रहने वाली गायत्री हमारी जासूसी करने लगी। कितनी मुश्किल से मैंने थारे पापा सा का विश्वास जीता था, वरना वो तुम्हारे को सिर्फ औलाद के खातिर ब्याह कर लाए थे। तारे पैदा होने के बाद मैंने ही धीरे धीरे गायत्री का पत्ता काटा, और आज खाली वो ही रुक्मी के साथ ना है बल्कि मासा को भी धीरे धीरे उसके पास ले जा रही है। देख लेना, वो दिन दूर ना है जब रुक्मी, रसाल, रणबीर, मासा सब एक तरफ हो जाएंगे। उस रुक्मी का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे जी जी, दो दोस्तों को लड़ाने के लिए दुश्मनों से भी हाथ मिलाना पड़ता है, उनका विश्वास जीतना पड़ता है, उनकी दोस्ती, उनकी बॉन्डिंग को ऐसे ही खोखला कर देना पड़ता है जैसे दीमक पेड़ के तने को खोखला कर देती है। पर जैसे ही हवा का जोर का झोंका आया, पेड़ का जय राम जी की हो जाता है। जो जीजी, आपको हमारी बात समझ में आ रही हो तो ठंडे दिमाग से सोचो, रास्ता अपने आप निकल जाएगा। मारे रहते रसाल इस हवेली में हुकुम चलावे ये मैं बर्दाश्त ना कर सकूं। मारे को उन दोनों बहनों को इस तरह तोड़ना होगा जिससे रणवीर का छीना भी मुश्किल हो जाए और वो किसी काम लायक भी ना रहे। मारे सिंदूर की रक्षा करना, मैं इसी सिंदूर के सहारे अपना सारा जीवन काट सकूं, पर इसके चलते ठाकुर साहब पर कोई आंच ना आ जावे, वरना मैं रसाल को क्या जवाब दूंगी, खुद कैसे जीऊंगी काना का। ये आप भी जानो कि कुछ समय के लिए हमारे माथे से ये सिंदूर मिट गया था, पर क्यों मिटा था ये भी आप जानो काना था। कैसे मिटाने दियो तूने अपने मांग का सिंदूर? दादी साहब, वो तू राजपूत की छोरी है ना, जो अपने सुहाग के वास्ते मर मिटे है, अपने सिंदूर की रक्षा के वास्ते हर दुख दर्द को झेल सके है। थारे से नफरत करना थारी अपनी भूल की सजा है। जे तूने अपना चेहरा उससे छुपाया ना होता तो आज थारे को इस तरह ना जीना पड़ता। जे मैंने थारी और रणवीर की कुंडली मिलवाकर ये ब्याह करवाया तो उसमें रणवीर का ही भला था, क्योंकि रणवीर के जीवन में आने वाली हर विपदा को थारी कुंडली, थारे माथे पे उसके नाम का लगा ये सिंदूर ही उसकी रक्षा कर सकता था। दीप पे लांछन लगाने के बाद भी
मैंने थारे को इस हेली में रहने दिया, उसका कारण भी यही था। वरना मैं वो पहली औरत होती जो थारे को इस घर से चले जाने को कह देती। दादी साहब, मैं आज के बाद कभी अपने मांग का सिंदूर मिटने ना दूंगी। चाहे मैंने जो करना पड़े मैं करूंगी। लेकिन इस बात का ये अर्थ ना निकालना कि तू रणवीर और रसाल को इस बात का एहसास दिलावेगी। मरने मंजूर है दादी साहब, मैं किसी को भी इस बात का एहसास ना दिलाऊंगी। पर आप मारे से नाराज मत रहो, मारे से बात करो दादी साहब, मारे को अपनी सेवा करने दो। मैं आपकी सेवा के सहारे अपना सारा जीवन जी लूंगी। कठी सो आ रही है, यही घूमने चली गई थी। ये रणवीर रसाल अभी तक मंदिर से लौटे ना है? नहीं मासा, अभी तक तो नहीं आए। बड़ी देर लगा दी दोनों ने, मैं रणवीर को फोन लगा के पूछू हूँ। मासा आ गए दोनों। सुहागन रहो, खुश रहो। अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए, मासा तुम ही को फोन लगा रही थी। दादी सा, कुछ खास बात? नहीं, तुम दोनों ने आने में बड़ी देर कर दी तो वही पूछना चाह रही थी। दादी साहब, हम तो जल्दी लौट आते लेकिन रास्ते में एक बहुत भयानक हादसा होते होते टल गया हमारे साथ। कहीं हो बेटा? वो गाड़ी के आगे अचानक एक आदमी आ गया, अगर रसाल ने एन मौके पे स्टीयरिंग ना घुमाया होता तो वो आदमी गाड़ी के नीचे आ जाता। बस ये समझ लीजिए कि किस्मत ही थी कि बच गया। इसी वास्ते शायद मारा मन बेचैन हो रहा था। अब आप चिंता मत कीजिए दादी साहब, अब मेरा लकी चार्म मेरे साथ है। सच ये समझ लीजिए कि मेरा लकी मैस्कट है रसाल। ठाकुर साहब वो क्यों हो रहे? मतलब वो सौभाग्य लाने वाली यानी कि तू। हाँ, अब मैं ऑफिस चलता हूँ, बहुत देर हो गई। बेटा खाना तो खा के जा। जी अभी ऑफिस के लिए बहुत देर हो गई है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है। तू नाराज होकर गई है, पर थारे को भेजने के अलावा कोई और चारा भी तो ना था हमारे पास। पर थारी इच्छित कि मोहित से ब्याह करूंगी पूरी ना हो सके। आपसे लड़ झगड़ कर अपनी सारी जिद पूरी करवाती थी, शायद इस बार भी आप
उसकी बात मान लेते और मैं कहकर आप भी ना रहे, रणबीर भी अपने काम में व्यस्त हो जावे। एक मुमली थी जिससे बात करके मैं बड़ा अकेला पर दूर कर लेती थी। बताओ ना क्या करूं? हमेशा वास्ते तो ना गई है ना मासा, बस 2 महीने वास्ते गई है। और आप देखना, ये 2 महीने पलक झपकते ही कट जावेंगे। मासा, मैं सबके फैसले के खिलाफ तो ना बोल रही हूं, पर मुमल की खुशी मोहित के साथ ही है तो इस बात पर दोबारा विचार ना हो सके? कुंडलियां ही नहीं मिली मुमल और मोहित की, हमारा ब्याह भी तो कुंडली मिलाए बिना ही आपके बेटे से हुआ है ना मासा। आज वो भी खुश है और हैप्पी। रुक्मी जी कह रही थी कि मोहित भी मुमल को बहुत चाहे। थारी बहन की के सलाह है? मारे को ये जानने की जरूरत ना है। होती कौन है वो मारे को सलाह देने वाली? उसकी जो जगह है वो भूले ना, कह देना उसे। अच्छा अब आप चलो मासा, खाना खा लो, मैं आपको साथ ले जाने आई हूं। आज जो भी हुआ उससे हमारी रसाल की इज्जत ठाकुर साहब की नजर में और बढ़ जाएगी, और हमारे को भी उनके नाम के इस सिंदूर के सहारे जीना आसान हो जाएगा। प्लीज चिल्लाना मत प्लीज। आप बैठे। वो मुमल अपना फोन बंद किया हुआ है और मैं कई दिनों से उससे मिलकर बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। उनको 2 महीने वास्ते हवेली से कहीं दूर भेज दिया गया है। क्यों? उनको इस हवेली से दूर भेजने के पीछे आप ही कारण है। बहुत प्यार करे हैं वो आपसे, उसने तो अपने घर वालों के सामने भी बोल दिया है कि वो ब्याह करेगी तो सिर्फ आपसे। मोहित सा, आप ठीक तो है ना? मुमल की जाने की खबर सुनकर ऐसा लगता है जैसे मेरी जान ही चली गई। 2 ही महीने वास्ते तो गई है, आ जाएगी। प्यार करने वालों की तड़प देखकर दुख तो होवे है मारे को, पर नसीब में उसको भी तो फैसलों कुछ होवे है। सांगरी की सब्जी और काचरा की चटनी कैसी रहेगी? मैं तो आकर आपको बताने वाली थी कि ये तो ठाकुर साहब को मन पसंद है, पर आपने तो पहले ही सोच लियो। और क्यों ना सोचे, आखिर आप भी तो उनकी मन पसंद हो। अच्छा आप जल्दी जाओ वरना ये चाय ठंडी हो जाएगी। जी। अरे रसाल, तू उठे भंडारे में क्या कर रहे है? जी जी, वो मैं ठाकुर साहब वास्ते उनकी मनपसंद सब्जी बनाने जा रही हूँ, गट्टे और सांगरी की और साथ में काचरा की चटनी भी। अच्छा चल ठीक है, मैं थारी मदद कर देती हूँ, गट्टा मैं बना देती हूँ। ना जी जी, अब हमारे को बनाने दो ना। अच्छा ठीक है,
तू ही बना ले। पर थारी को याद है ना कि उसमें के पड़े हैं? बेसन, कलौंजी, अजवाइन और नमक डाल के अच्छी तरह मिला लेना। और हाँ, उसकी छोटी छोटी लोई बनाकर ना टुकड़े करके तल लेना अच्छी तरह। हमारे को पता है जीजी। बहुत अच्छा। और हाँ, कांचरा की चाटनी में हरी मिर्च थोड़ी ज्यादा डालियो। अरे तू सुन भी रही है मैंने क्या बोला? नाना जीजी, हरी मिर्च तो बिल्कुल ना, उन्हें पसंद ना है। थारे को कैसे मालूम? अब मारे को ना पता होगा तो भाभी सा, आपरे वास्ते किसका फोन है? और किसका? जी, कुछ खास बात? हाँ, आज तुमने एक बहुत जरूरी चीज तो मुझे दी नहीं और मैं ऐसी ऑफिस चला आया। क्या देना भूल गई मैं? ठाकुर साहब, आप तो वहां ऑफिस में अकेले होंगे, पर मैं अठे अकेली ना हूं। क्यों, कौन है तुम्हारे पास? मैं भंडारे में हूँ। अरे तो भंडारे से बाहर जाओ और जल्दी से मुझे दे। देखो, तुम जितनी देर लगाओगी शाम को तुम्हारा तोहफा उतनी देर में मिलेगा। क्या तोहफा है? अब ये तो सरप्राइज है, ये थोड़ी बताऊंगा मैं। हाँ, लेकिन जब तक मुझे मेरा तोहफा नहीं मिलेगा तुम्हें तुम्हारा नहीं मिलेगा। ठाकुर साहब, समझ क्यों ना रहे हो? आसपास लोग हैं, मैं आपके वास्ते कुछ बना रही हूँ। तुम एक काम करो, तुम वहां भंडारे में रहकर खाना बनाती रहो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठाकुर साहब नाराज तो ना है ना? नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। बाय। अब क्या करोगी रानी? जे तुम्हारे सिपाही को मारती है, तुम्हारा ऊंट थारे राजा को मार देगा। और जे तो अपने राजा को बचाने के लिए बीच में आती है, तुम्हारा घोड़ा थारे को मार देगा और थारा राजा फंस जाएगा। बड़ी ठाकुराइन जी, सोनार जी आए हुए। अरे गोपालदास जी, आप घनी खम्मा, घर में कोई शादी ब्याह तो ना है, फिर आपका कैसे आना हुआ? बड़ी ठाकुराइन जी, रणवीर शाह ने अपनी बिंदड़ी वास्ते यो कंगन भेजो। कौन सी पिंदड़ी वास्ते? मारा मतलब था कि आपके पास उसके हाथ का नाप था कि? ठाकुर साहब के ब्याह में सारे गहने मैंने ही तो बनाए थे। कितना अच्छा ब्याह किया तो। अच्छा, मैं चालू हूँ, ये कंगन बिंदड़ी को दे देना। घनी खम्मा। खम्मा। यो तो हमारे हाथ एक और कड़ी लग गई आग लगाने वास्ते। यो नाप तो रुक्मी के हाथों का है। अरे रुक्मी, अठियाना, ये ले, ये रणबीर ने भिजवाया थारे वास्ते। इतनी हैरान होने की क्या जरूरत है? जे थारे वास्ते ही तो है। थारे माथे का सिंदूर उसका सुरक्षा कवच जो ठहरा, तो उसके लिए वो थारे वास्ते सोने के कंगन भी ना भिजवा सके।